प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती अपने खान पान को लेकर सजग होती है। क्या खाए क्या ना खाए, कई बार बहुत सारे फलों को लेकर भी वह दुविधा में होती है। ऐसे ही कुछ होता है पपया, पाइनएप्पल और बनाना के बारे में। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या प्रेगनेंसी के दौरान अनानास यानी पाइनएप्पल खाना सुरक्षित है या नहीं, क्या यह एबॉर्शन का कारण हो सकता है। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अनानास खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या इसके लाभ आपको मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम वीडियो के अंत में जानेंगे वह गर्भावस्था का कौन सा समय होता है जब आपको अनानास नहीं खाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं क्या गर्भवती को प्रेगनेंसी में अनानास यानी पाइनएप्पल का सेवन कर सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब है हाँ, प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल का सेवन आप कर सकती है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ में इसे आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका सेवन आप कर सकती है, लेकिन सीमित मात्रा में ही आपको इसका सेवन करना है। प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल खाने से गर्भवती को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पाइनएप्पल में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो गर्भवती की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अनानास में विटामिन B1 पाया जाता है जो शिशु के नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इतना ही नहीं, पाइनएप्पल में मैंगनीज भी होता है जो बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पाइनएप्पल में फाइबर्स की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण गर्भवती को कॉन्स्टिपेशन की समस्या में राहत मिलती है। कॉपर की मात्रा भी अनानास में भरपूर होती है जो शिशु के रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs और बच्चे के दिल के विकास के लिए भी मदद करता है। पाइनएप्पल में मौजूद तत्व हाथों और पैरों पर आने वाले सूजन के लिए भी फायदेमंद सिद्ध होता है। आइए अब देखते हैं प्रेगनेंसी में अधिक मात्रा में पाइनएप्पल खाने से क्या हो सकता है। कोई भी चीज़ यदि आप अधिक मात्रा में खाती है तो उसका फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जैसे अधिक मात्रा में पाइनएप्पल खाया तो इससे एसिडिटी की तकलीफ भी आपको हो सकती है, सीने में जलन आपको हो सकती है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम्स होता है जो सर्विक्स को फैलाता है और इसके कारण एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कारण अनानास का सेवन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है। यदि जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या आपको है तो पाइनएप्पल का सेवन ना करें। इसीलिए सीमित मात्रा में यानी हफ्ते में 1 या 2 बार 1 कप पाइनएप्पल का सेवन आप कर सकती है। पाइनएप्पल के टुकड़े करके उसके स्मूदी बनाकर आप सेवन कर सकती है या हल्का नमक डालकर भी आप पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर खा सकती है। आप अनानास का जूस भी पी सकती है। चलिए अब जानते हैं प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल कब नहीं खाना चाहिए। क्या आप अभी इस गर्भावस्था में आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणी बनाने के लिए कुछ कदम उठा रही है? क्या इस गर्भावस्था के चांस को गोल्डन चांस में आप कन्वर्ट कर रही है? जी हाँ, यह पॉसिबल है। आपके शिशु को गर्भ में ही सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बना सकती है। यह पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। गर्भ संस्कार से इन प्रेगनेंसी के दिनों में आप एक विशिष्ट प्रकार की दिनचर्या रख कर आपके शिशु को कैसे बना सकती है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी, यह सीख भी सकती है संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पे जाके आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। आप मुझे कॉल तथा व्हाट्सएप भी कर सकती है, वह भी नंबर मैंने दिए हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनानास आपको कब नहीं खाना है। आपको प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में पाइनएप्पल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, यदि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो इसे आपको नहीं खाना है। पाइनएप्पल में मौजूद शर्करा आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, इसीलिए यदि जेस्टेशनल डायबिटीज से आप जूझ रही है तो आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है या आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है तो आपको अनानास का सेवन नहीं करना है। यदि आपको प्रीवियस एबॉर्शन की हिस्ट्री है तो अनानास आपको नहीं खाना है।
अनानास का सेवन करने से प्रसव शुरू हो सकता है, इसीलिए इसे ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अनानास का सेवन कर सकती है। फिर भी इसका सेवन करने से पूर्व एक बार आपके डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी है। तो फिर जी हाँ, गर्भावस्था में पाइनएप्पल का सेवन जरूर करें, लेकिन कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।